पिता के गेट के बाहर की मंडी में किसने छापे हुई है? अभी अब ये तो नाव कर यार अभी से तो करो बाला ला इधर प्रसाद गाय समझ ये बाउंसर ये भाई तू मदी है ए फोन नीचे अच्छा अंगों निकल आओगे अंगों कैसे जाते हैं ये क्या कर रहे हो सॉरी आज तो सहते हाँ पूरी आदत हूँ Thank you.
बोलना ये तो नहीं है अभिषेक पाजी थोड़ा अंदर अरे तू मोबाइल में छाप रहा है।
फोन कर रहा तो फोन नहीं उठा। तुम्हारे चाहते का साइड यहाँ पर नेहा जी कैमरा निकालना पड़ेगा। बपीदा मेरी एक तो लेजेंड तो हैं ही, लेकिन मेरी फैमिली जैसे हैं। मैं बप्पा के भी बहुत क्लोज हूँ, रीमा दीदी के भी बहुत क्लोज हूँ, और अभी मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि अभी उनका बर्थडे हमने मनाया था 69th, एंड बहुत ही सैड है। और बपीदा को हम हमेशा प्यार से याद करेंगे। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने उनके साथ अपने करियर का एटलीस्ट एक गाना गाया है, और उन्होंने हमेशा मुझे बच्चे की तरह प्यार किया। सो आई विल ऑलवेज हैव हिम इन माय हार्ट लाइक अ फादर ऑलवेज। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कौन बोला सॉन्ग भाई? किधर चलो भाई अभी
बाहर निकलता है। अरे सर कोई पीछे करो, अरे कौन है सर पीछे करो, अरे पीछे और पीछे और पीछे, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा फिर। बगल में आए रे गाइस से बात कर रहे हो, कौन भागा रे ये कौन भागा हो इधर को रहे जी भूल गए बस। ओ सर हेलो, हाँ मैं देखा था ना, मैं आके बोला ना, मैं आके ना सत्या ना मारो फोटो सर 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 हाँ सर एक सेकेंड थोड़ा पीछे जाएंगे प्लीज। हाँ सर यहाँ पे ठीक ठीक चलो धन्यवाद जी रुकिए
बैठ होगी बस ये डन। अरे कौन है वीडियो में? हाँ सर, बस इन्हें 15 फिल्में की पपीता के साथ डिस्को डांसर टार्जन तो सब पता है क्या सर? चलो उधर सामने मारे भाई रुको भाई रुको भाई रुको भाई रुको रुको ना प्लीज पीछे हां रुको ना जिम जाए लाइक कीजिए थैंक यू मैं तो गुस्सा खड़ा हूं मेरे तुम लोग का आदत तो बैठी खड़े हो दादा रुक जाओ दादा दादा रुकिए मैम मैडम या वही लॉस। एक तो क्या है उनसे, एक तो बापी अंकल जैसे लोग बनते नहीं हैं, मतलब उस तरह के लोग नहीं होते। म्यूजिशियंस आए हैं गए हैं लेकिन इतना उनकी जो पर्सनालिटी है, इतने खुशहाल मिजाज के, जहाँ पे जिस कमरे में घुस जाते थे वहाँ पे ऐसे खुशियाँ बिखर देते थे। ये क्वालिटी है जो बापी अंकल की, वो हमेशा रहेगी मेरे साथ। और मुझे लगता है म्यूज़िकली ऑल्सो जिस वक्त वो आए, उस वक्त आकर बॉलीवुड में जगह बनाना, अपना एक अलग छाप छोड़ना, अपनी तरह की म्यूज़िक करना और छा जाना, एक दशक तक छाए रहे, वो बहुत बड़ा यू नो इससे बिग थिंग नहीं होता इतना आसानी से। और मुझे लगता है बापी दा को सिर्फ ऐसा, आजकल जैसे ट्रिब्यूट में हर लोग मैसेज कर रहे हैं कि यू नो डिस्को किंग इज नो मोर, एंड मुझे लगता है डिस्को तक बांध के नहीं रखना चाहिए। वो बहुत विशाल थे। किशोर दा के कुछ बेहतरीन गाने जो है ना बापी दा ने दिए हैं, और आई थिंक वी शुड, और वो टाइमलेस है क्योंकि आज भी उनके गाने रिमिक्सेस होते फिर हिट हो जाता है। विल मिस हिम। कोई कुछ ऐसी मेमोरी जो कुछ है गाना था आपकी, कोई फन लविंग मेमोरी? कुछ नहीं, बापी दा से कभी मिलते थे, बुलाते थे, हाथ से बैठाते थे बगल, और बहुत क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और जैसे ही मैं बोलता था अभी काम नहीं है कुछ प्लान कर रहा हूँ तो वो इनक्रेज करते थे। मतलब बापी दा का यही था कि काम करते रहो, और बापी दा आखिरी वक्त तक बापी दा खुद काम करते रहे, मतलब ही वॉज स्टिल कंपोजिंग गिविंग म्यूजिक is it's amazing. Thank you. No, I had a tension. Book mat aaya ab. Are chhodo tum mat chappad de. Bhai mere kya hai? Baba. Tasveer lo. Ha, dur se. Chala pije. थोड़ा पीछे आएंगे तो फुल लेंथ फुल मिल जाएगा। Thank you.
भाई भाई आपका कैमरा पीछे लो ना भाई, कैमरा पीछे खालिद पीछे लाइट मार दे, जान तो छोड़ दो, आगे मत जाओ। फोटो पे ध्यान दो, फोटो पे ध्यान दो, क्या बात है, ये वाला फोटो है। हेलो, पीछे 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 सर, पीछे चलिए ना। हाँ ये हो गया।